नैनीताल के हल्द्वानी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू करने जा रही है। बता दें कि हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए आज हल्द्वानी के गोलापार स्थित हेलीपैड में ट्रायल किया गया है। ट्रायल के दौरान SDM परितोष वर्मा और तहसीलदार के साथ ही हेरिटेज एविएशन और युगांडा की टीम भी मौजूद रही। वहीं जानकारी के अनुसार ये 7 सीटर हेलीकॉप्टर रोजाना 2 चक्कर में अपनी सेवाएं देगा। वहीं अब DGCA की टीम हेलीपैड में फाइनल निरीक्षण करेगी, जिसके बाद जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को हेली सेवा शुरू होने से बहुत लाभ होगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, गोलापार जो हेलीपैड है, यहाँ से आज ट्रायल स्टार्ट हुआ है और DGCA की टीम ने इसका निरीक्षण करना है। यहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि 7 सीटर हमारा चॉपर है, उसमें ये प्रतिदिन 2 चक्कर लगाएगा और अभी इसकी ट्रायल DGCA द्वारा की जा रही है। अनापत्ति देने पर फिर यहाँ पे नियमित रूप से रूटीन।